होते रहेंगे बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात बढ़ाए, हिंदुस्तान को जरूरत है पाकिस्तान की, वो यहीं से जाना है उसने 48 कंट्रीज में, चॉइस ही नहीं है। तो आई एम श्योर कि हमारे सेटल्ड इशू सेटल हो जाएंगे इन टाइम्स टू कम। क्रिकेट होगी, क्रिकेट ना भी हो, इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम के नाम से वीडियो स्टेडियम को मौसूम किया गया। शोएब अख्तर ने कहा कि इंडिया को पाकिस्तान से खेलने की जरूरत है और इंडिया को चाहिए कि वो पाकिस्तान से खेले। शोएब अख्तर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सीज फायर होते रहेंगे बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात बढ़ाए, हिंदुस्तान को जरूरत है पाकिस्तान की, वो यहीं से जाना है उसने 48 कंट्रीज में, चॉइस ही नहीं है। तो आई एम श्योर कि हमारे सेटल्ड इशू सेटल हो जाएंगे इन टाइम्स टू कम। क्रिकेट होगी, क्रिकेट ना भी हो इंडिया के साथ, ठीक है, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू इंडिया, क्रिकेट ना भी हो, लेकिन हम आप इतने तगड़े बन जाओ ना, क्रिकेट बोर्ड इतना तगड़ा बन जाए, 100 बिलियन रुपीज कमा रहा हो साल का, हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास का करोड़ रुपया कमा रहा हो, वो हमारी क्रिकेट तगड़ी हो जाए ना, हमें रिलाई करना ही ना पड़े किसी से। तो वो टाइम आ रहे जहाँ पे आपके पैसे आपको कम हो जाने, बिग थ्री हैं, ठीक है, इंडिया का माल हो, इंडिया कहता है हमने नहीं देना आपको, फिर आप क्या कर लोगे। लेकिन अल्टीमेटली आपको अपना लेवल रेज करना पड़ना है, आपको एंटिटीज बड़ी करनी पड़नी है, ये ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं, इन पर कुछ बना देते हैं। आपने सुनी शोएब अख्तर की गुफ्तगू और जानते हैं जरा बेंगलोर के हीरो से, क्या इंडिया को जरूरत है पाकिस्तान से खेलने की? देखिए, दोनों कंट्रीज जो है वो उसमें फैनेटिक फॉलोइंग क्रिकेट की ना, पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और वर्शिप करते हैं लोग। और एक आपको याद होगा जब ज़हीर अब्बास और इमरान खान और वसीम अकरम और ये, तो सारे लोग इंडिया जब जाते थे तो वो बहुत अच्छा महसूस होता था और वो बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। ऐसे ही पाकिस्तान के जब इंडिया के गवास्कर और ये लोग कपिल देव और ये तो इनको तो ये टाइज जो है क्रिकेट की, आज भी आप देखिए यूट्यूब के ऊपर आधे से ज़्यादा इंडिया की कवरेज है पाकिस्तान के साथ, जब जो भी हमारे यहाँ पे वीडियो बनाते हैं उसमें वो रिकॉर्ड्स आते हैं, क्योंकि ये छुप नहीं सकते। देखिए ना, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको स्कोर देखना ही है, विराट कोहली ने कितने रन किए, क्या सेंचुरी की, इंटरेस्ट तो अपनी जगह है। कुछ हमारे बाबर आजम का वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं कि बाबर आजम ने कितने रन कर दिए, क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से फैन फॉलो, दोनों तरफ से है। अच्छा, तो ये बताएगा कि अब्दुल मजीद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उस दिन कहा कि अगर इंडिया की बी टीम भी आएगी तो उनकी क्रिकेट हमसे इतनी अच्छी है कि इंडिया की बी टीम हमें हरा देगी। देखिए, उन्होंने पिछले 10-12 साल जिस वक्त वो पिट रहे थे, सबसे जो हाल उनका था उस ज़माने में, उसके बाद MRF एक एकेडमी उन्होंने खोली, उसके ऊपर फॉरेन कोचेस आए, उन्होंने 10-12 साल मेहनत की है, एक दिन में नहीं बने वो। फिर IPL ने इनको सपोर्ट किया, डेनिस लिले को लिया वहाँ पे, बड़े बड़े नाम लिए, फिर उन्होंने एक मजबूत प्लानिंग की, उन्होंने शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं की, उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, और उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग का फल ज़ाहिर 10-12 साल बाद ही मिलना था ना, वो जॉब इनको मिला। और इस पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि IPL प्रोडक्ट बन गया इनका बेहतरीन किस्म का, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा सपोर्ट मिली, खिलाड़ियों की तादाद ज़्यादा हो गई। अब पाकिस्तान ने भी IPL PSL चल रहा है, अब इससे भी कुछ लड़के निकल रहे हैं, मगर हमारी अभी तक जो प्लानिंग है प्लेयर प्रोडक्शन करने की, वो अभी हमारी अभी तक है ही नहीं। हम EPSL को बुनियाद बना लेते हैं या ले लेते हैं, जबकि कभी कभी हम फर्स्ट क्लास को बुनियाद बना लेते हैं, तो कभी हम उधर से, हम एक प्रॉपर तरीके से, मेरा अपने ये ख्याल है कि अब तो माशाल्लाह सब अच्छे खिलाड़ी पढ़े लिखे लड़के हैं, सब इनको बैठ के अपनी प्लानिंग करनी चाहिए कि हम फ्यूचर में कहाँ। अभी देखिए वर्ल्ड कप आने वाला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आज से सोचेंगे तो कहीं। तो गाइज़, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने सुना शोएब अख्तर को, शोएब अख्तर बोलना चाह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत है, भारत को अगर 48 देशों तक जाना है तो पाकिस्तान से ही होकर जाना है। अब आप समझ सकते हो शोएब अख्तर का पागलपन, पता नहीं है क्रिकेट के साथ साथ क्या क्या चीज़ की बातें करते हैं, इनको खुद को भी नहीं पता है।
कुछ दिन पहले इन्होंने बोला था कि भारत ने बीसीसीआई ने सारी दुनिया की क्रिकेट को तबाह कर दिया है और बीसीसीआई नहीं चाहता कि दूसरे देश सफल हो, इस तरीके की बातें इन्होंने की थी। और हर दूसरे दिन जब इंडिया मैच जीतती है तो बीसीसीआई पर ही वीडियो बनाते हैं, भारत पर ही वीडियो बनाते हैं, भारत की तारीफ कर कर पैसे कमाते हैं। तो ये है शोएब अख्तर। दोस्तों आप समझ सकते हो इनका जो डबल स्टैंडर्ड है, इनकी बातें हैं, अब क्या बोलूं। अब रही बात इंडिया पाकिस्तान की मैच की, तो इंडिया पाकिस्तान के मैच आपको पता है 2008 से बंद है। 2008 मार्च अप्रैल में जब पहला आईपीएल हुआ था सारे पाकिस्तानी उसमें खेले थे, लेकिन नवंबर में क्या आपको भी पता है मुंबई अटैक हुए, उसके बाद से भारत पाकिस्तान के रिश्ते शायद अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। इसके पहले भी ऐसे कई बार बहुत जंगे हुई हैं लेकिन इतने खराब कभी नहीं हुए, क्योंकि भारत ने अब एक डिसीजन ले लिया कि बस बहुत हो गया, अब पहले आप आतंकवाद पर कंट्रोल करें फिर हम आपसे बात करेंगे। तो भारत के इस डिसीजन के बाद पाकिस्तान तिलमिला उठाया, ये आतंकवाद भी करना चाहते हैं और मैच भी खेलना चाहते हैं। तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हमें भारत के साथ मैच खेलने चाहिए या नहीं खेलने चाहिए। वैसे आपको बता दूं भारत पाकिस्तान के बहुत जल्द मैच होने वाले हैं, आपको बता दूं एशिया कप अभी जून में होगा और इंडिया अपनी बी टीम भेजने वाली है। बी टीम मतलब इसलिए भेजेगी क्योंकि इंडिया की ए टीम जा रही है टेस्ट मैच का फाइनल खेलने के लिए न्यूजीलैंड के साथ साउथहैम्पटन में। आपको पता है 18 जून से इंडिया का फाइनल है, तो उसमें जो भी टेस्ट प्लेयर हैं, जो भी बड़े प्लेयर हैं, जो भी ए लिस्टेड प्लेयर हैं वो वहां पर खेलेंगे, और जो बचे खुचे बी प्लेयर हैं जिनको मैं बी प्लेयर नहीं कहूंगा, वो बहुत सुपर क्लास फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, आपको पता होगा उनके नाम, जैसे कि केएल राहुल होंगे, उसके कैप्टन शिखर धवन, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर और भी नाम है, जैसे कि आप देख सकते हो लिट्टी नटराजन रहेंगे उसमें, भुवनेश्वर कुमार रहेंगे उसमें, और बैटिंग में मयंक अग्रवाल भी रहेंगे, और भी जो इंडिया के प्लेयर हैं वो रह सकते हैं, और पृथ्वी शॉ जैसे अगर आईपीएल में परफॉर्मेंस करते हैं तो वो भी रह सकते हैं। तो ये प्लेयर शायद जा सकते हैं एशिया कप खेलने के लिए श्रीलंका। तो भारत पाकिस्तान के मैच हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान ही ये एशिया कप से बायकॉट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को कराना है अपना पाकिस्तान सुपर लीग कंप्लीट, जो कि पोस्टपोन हुआ था कोविड की वजह से, कोविड केसेस, प्लेयरों को कोविड केसेस पाए गए थे जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग हो गया था पोस्टपोन। तो दोस्तों आपका क्या सुझाव है, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, खेलना चाहिए तो कब खेलना चाहिए, खेलना चाहिए तो किन शर्तों पर खेलना चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।